फिर से बड़ी खबर है जहां विवाद के बीच एक साथ दिखे भूपेश और टीएस सिंहदेव। हम एक साथ हैं का संदेश दिया है, जय और वीरू की जोड़ी है बरकरार, टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया। हम सब एक हैं, शैलजा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत में जिनको दो धुरी मान करके विरोधी खेमा लगातार सियासत करता हुआ नजर आ रहा था, ये जवाब देते हुए दोनों की जोड़ी नजर आ रही है। विवाद के बीच एक साथ दिखे हैं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। कहा है कि हम साथ साथ हैं का ये संदेश दे रहे हैं, जय और वीरू की जोड़ी बरकरार है, ये टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया। ये फैसला हाईकमान का है, और हम लोग तो सब शैलजा जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं। कमो से केवल है कुछ बोलिए सरकार, कमो से केवल है कुछ बोलिए सरकार, तो भाई बोलो मैं तो खड़ी दिख रहा नहीं किया और काम भी कर रहे हैं। अब वो एक अलग मांग है। ये फैसला हाईकमान का है, और हम लोग तो सब शैलजा जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं। कमो से केवल है कुछ बोलिए सरकार, कमो से केवल है कुछ बोलिए सरकार, आप तो भाई बोलो मैं तो खड़ी दिख रहा नहीं किया और काम भी कर रहे हैं। अब वो एक अलग मांग है। तो ये आपने तस्वीर देखी और इस तस्वीर के कई सियासी मायने भी हैं। चुनाव नजदीक है और दोनों बड़े दिग्गज नेताओं का साथ आना ये बड़े संकेत दे रहा है। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुश, सियासी तस्वीर आज कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। दो बड़े दिग्गज नेता एक पार्टी के एक साथ एक तस्वीर के अंदर नजर आते हैं, जय वीरू की जोड़ी की संज्ञा दी जाती है, क्या और जानकारी है? जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को लेकर आम चर्चा होती रही है, चाहे वो ढाई साल का कार्यकाल हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण की बात हो, कई तरह की बातें हुई हैं, कई तरह के रूमर हुए हैं, लेकिन आप जिस उन तमाम बातों पर ग्राम कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आता है। और एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ये इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से ये वीडियो है, उस वीडियो में दोनों ही कद्दावर नेता, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हो, एक साथ नजर आ रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जय वीरू की जोड़ी जो है वो हमेशा से साथ काम करती रही है, अभी भी साथ है, और किसी तरीके के निर्णय को लेकर, किसी तरीके के बदलाव को लेकर स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये फैसला जो है वो आलाकमान का है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश प्रभारी के तौर पर कुमारी शैलजा हो, उनके नेतृत्व में लगातार काम किया जा रहा है और आगे के चुनाव की रणनीति जो है वो भी बनाई जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद से एक बार फिर से जय और वीरू की जो जोड़ी है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जय और वीरू कहा जाता है, वो एक बार फिर से वीडियो चर्चाओं में है। ठीक है, और ये चर्चाएं बहुत तेजी के साथ चल भी रही है, चुनाव में कितना फायदा पहुंचाते हैं पार्टी को फिलहाल देखना होगा, लेकिन बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए।